स्वागत है आपका आप चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल आप लोग के चलने वाले हैं। अब देखिए आप लोग का आज 1 अप्रैल को मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के फिजिकल को कंडक्ट कराने को लेकर। यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस की जो आज की आप लोग की मीटिंग थी इसमें क्या क्या बातें कही गई और आप लोग का दिल्ली पुलिस का फिजिकल कब तक जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। सबसे पहले बात करें आप लोग की मीटिंग की तो 1 अप्रैल को मीटिंग जो है कंडक्ट कराई गई है दिल्ली पुलिस के फिजिकल को लेकर, जिसके अंदर आप लोग का जो डाटा है जो इतना भी आप लोग का डाटा था फिजिकल आप लोग मार्क्स का वो सभी डाटा आप लोग का दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है एसएससी के द्वारा। यानी एसएससी ने अभी अपने डाटा को जो दिल्ली पुलिस के जो पेपर थे मार्क्स थे सभी कैंडिडेट्स के नाम थे वो सब दिल्ली पुलिस को सौंप दिए हैं। अब दिल्ली पुलिस जो है एडमिट कार्ड जारी करेगी कैंडिडेट्स के, यानी अब आप लोग की जो ड्रॉजर था जितने भी कैंडिडेट्स का था, जैसे कोई आप लोग की रिजर्व कैटेगरी का है, एनसीसी के आप लोग का जो सर्टिफिकेट लगा रखा है, आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है, साथ में आप लोग के जो मार्क्स हैं वो सभी जो है दिल्ली पुलिस को सौंप दिए गए हैं। अब ये दिल्ली पुलिस इनके जो है एडमिट कार्ड जारी करेगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को किस ग्राउंड में और किस डेट में रिपोर्ट करना है। आप लोग के फिजिकल की बात करें फिजिकल कहाँ कंडक्ट कराए जाएंगे तो फिजिकल आप लोग के दिल्ली के अंदर ही दिल्ली पुलिस के जो ग्राउंड है उनके अंदर ही कंडक्ट कराए जाएंगे, ऑल इंडिया फिजिकल नहीं होंगे। तो कैंडिडेट्स को ये जो डाउट था कि जो पेपर था वो ऑल इंडिया कंडक्ट कराया गया था तो क्या फिजिकल भी ऑल इंडिया कंडक्ट कराए जाएंगे, तो डाउट क्लियर हो चुका है। जो फिजिकल है आप लोग के दिल्ली के अंदर ही कंडक्ट कराए जाएंगे। नंबर दूसरी बात करें कि आप लोग का जो दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है ये आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो कौन जारी करेगा, तो इसके जो एडमिट कार्ड है वो आप लोग का दिल्ली पुलिस जारी करेगी। ये भी बात आप लोग की क्लियर हो चुकी है, दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग के एडमिट कार्ड आएंगे दिल्ली पुलिस के फिजिकल को लेकर। और तीसरा डाउट था कि आप लोग के फिजिकल जो है वो कब तक कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आप लोग जो फिजिकल है वो आप लोग का 9 तारीख को आप लोग के जो है एडमिट कार्ड जारी होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी 9 अप्रैल को आप लोग का दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे कैंडिडेट्स के उनके फिजिकल को लेकर। तो 9 अप्रैल का इंतजार आप लोग कर लीजिए। अब आज आप लोग की 2 अप्रैल हो चुकी है, 9 अप्रैल को आप लोग के फिजिकल के एडमिट कार्ड यानी 1 हफ्ते के बाद आप लोग के फिजिकल के एडमिट कार्ड जो है 1 वीक के बाद आप लोग के जारी कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग का लिंक एक्टिवेट होगा, वहां से आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल को लेकर। जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है 67,000 कैंडिडेट्स हैं जिनका जो फिजिकल है वो दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी। अब आप लोग का जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट कौन क्रिएट करेगा, तो फाइनल रिजल्ट काम जो है एसएससी का है, फाइनल रिजल्ट आप लोग का एसएससी क्रिएट करेगा। और दोस्तों आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट रहेगा इसकी जो कट ऑफ है यहाँ पर आप लोगों का डिपेंड करेगा टोटली फिजिकल के ऊपर। आप लोग फिजिकली क्वालिफाइड करेंगे तो आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम होगा वरना आप लोग का नाम नहीं होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है अभी आप लोगों ने पेपर तो दे ही लिया है, अब आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों का फिजिकल, यानी आप लोगों का फिजिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिकल कंडक्ट कराना आप लोगों का जो है आप लोगों का काम है फिजिकल क्वालिफाई होना। अगर आप लोग फिजिकल में फेल हो जाते हैं तो आप लोगों के बेशक कितने भी मार्क्स हों, बेशक आप लोगों ने 90+ मार्क्स लिए हों या फिर आप लोगों ने 70+ मार्क्स लिए हों उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए फिजिकल होना चाहिए। अब आप लोग किसी भी तैयारी को बंद कर दीजिए, जिसकी भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, अगर आप लोगों का दिल्ली पुलिस के फिजिकल की लिस्ट में नाम है, अगर आप लोगों का लिस्ट के अंदर नाम है तो फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा। बेशक आप लोगों के 1 मार्क्स ज़्यादा हों, बेशक आप लोगों के जो है 15 मार्क्स ज़्यादा हों, आप लोग फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिएगा। कुछ पता नहीं है कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हो पाएँ, क्या पता उतने कैंडिडेट भी क्वालिफाइड ना हो पाएँ जितनी वैकेंसीज हो, इस कारण से आप लोग फिजिकल की प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। वेटिंग लिस्ट भी इसके अंदर आती है और आप लोग की क्या पता लास्ट मौके पे सीट भी इंक्रीज हो सकती है। पिछली बार भी आप लोग की सीट इंक्रीमेंट देखने को मिला था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ बातें नहीं चल रही हैं लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता इस भर्ती प्रक्रिया के रिगार्डिंग। एंड मौके पे आप लोगों को कुछ भी हो सकता है, उस समय आप लोग पछताने से बढ़िया है अभी आप लोग अपने फिजिकल की प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आप लोग का लिस्ट के अंदर नाम है तो आप लोग फिजिकली क्वालिफाइड हो जाइए। फिजिकल के अंदर आप लोग का जो है हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, रेस होती है, 3 प्रोसेस होते हैं जिनको आप लोगों को कवर करना होता है। अगर आप लोग का चेस्ट मेजरमेंट में आप लोगों को अनक्वालीफाई भी किया जाता है तो आप लोग दोबारा चेस्ट मेजरमेंट करा सकते हैं अपील अथॉरिटी के पास जाकर, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट होता है चेस्ट मेजरमेंट और हाइट आप लोगों की भी इम्पोर्टेंट होती है, इसमें भी आप कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आप लोगों का रेस और इसके बाद आप लोगों का जो है हाई जंप और लॉन्ग जंप, इसके अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बाहर किया जाता है। हाई जंप लॉन्ग जंप में भी काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर होते हैं, पिछली बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को अनक्वालीफाई किया गया था। इस बार आप लोगों का जो देखिए जो दिल्ली पुलिस का पेपर है इसके अंदर सीजीएल वाले कैंडिडेट्स भी हैं, सीपीओ वाले कैंडिडेट्स भी हैं, इसके बाद आप लोगों का एमटीएस वाले कैंडिडेट्स भी हैं और दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे थे वो कैंडिडेट्स भी हैं। तो जरूरी नहीं है सभी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाएँ फिजिकल को, आप लोग फिजिकल की प्रिपरेशन कीजिए। अगर फिजिकल की लिस्ट आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा।
अगर आप लोग कितने भी मार्क्स हैं 70% आप लोग का चांसेस बनता है कि आप लोग का जो है फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाए। अभी आप लोग अगर 5 मार्क्स ज़्यादा है तो 100% आप लोग के चांस बन सकते हैं इस बार की मेरिट लिस्ट में आने के लिए, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। नॉर्मलाइजेशन के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स अपर भी हुए हैं लेकिन सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स अपर नहीं हुए हैं, इतना आप लोग समझ लीजिए। आप किसी कैंडिडेट्स का 1 नंबर बढ़ा है, किसी कैंडिडेट्स का जो है 15 मार्क्स भी बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर, तो वो आप लोग लक है कि आप लोग को नॉर्मलाइजेशन मिला है नहीं मिला है, अभी इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग के जितने भी नॉर्मलाइज मार्क्स हैं उस पर आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा, चाहे वो आप लोग के 94 मार्क्स हो या फिर आप लोग के 64 मार्क्स हो, आप लोग का सिलेक्शन जो है नॉर्मलाइज स्कोर पर होगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दिया है मैंने कि फिजिकल जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड 9 अप्रैल से जारी करा दिए जाएंगे आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया है कि दिल्ली पुलिस आप लोगों का फिजिकल लेगी, 1 अप्रैल की मीटिंग समाप्त हो चुकी है फिजिकल कंडक्ट कराने को लेकर। तो आप लोग दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आप लोगों को ओपन कर रखी है, इससे आप लोग कनेक्ट रहें, जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ, जब तक धन्यवाद।